वेलकम बैक टू द डे 6 ऑफ द नवरंग रात्रि सीरीज एंड इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर योर वेरी लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप तो कंप्लेन कर रहे होंगे कि बहुत छोटा व्लॉग था कल और परसों का, बट टुडे इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग व्लॉग. सो चलो, अभी मैंने नहाया नहीं है, इसलिए मैं नहाऊंगी. आई विल टेक अ बाथ, आई विल गेट रेडी, उसको मैं शूट करूंगी, देन पूजा होगी एंड देन आई हैव सम अदर वर्क्स टू डू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओटीडी ऑफ माय टुडेज लुक. एंड आज है सप्तमी और ये आई है मेरी बहन गुनगुन. इसके साथ मैंने नेवर हैव आई एवर वीडियो किया है इसकी इसकी और इसकी बहन के साथ, मतलब मेरी बहन है वो. तो यहाँ पे वो वीडियो होगा, आप जाके देख सकते हो, मतलब आपको मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा. सो गाइज, अभी मैं आपको अपनी आउटफिट दिखाती हूँ, एक मिनट. चलो मैं पहले पूरा तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से लाइक यू नो ब्यूटी शॉट एंड ओटीडी आउटफिट ऑफ द डे दिखा दूँगी. सो चलो थोड़ा मेकअप वेकअप करते हैं. पहले मैं फेस वॉश करूँगी, आफ्टर दैट स्किन केयर. सो आफ्टर दैट मेक, सो आई विल बी फेस. मैंने इस बास्केट में अपना मेकअप वगैरह देख सकते हो अपने निकाल लिया, जो भी आई नीड फॉर नाउ मैंने अपने वैनिटी से लेके आई हूँ. आपने मेरा वैनिटी आई थिंक नहीं देखा है, मैं दिखाऊंगी बाद में कभी इन डिटेल किसी व्लॉग में. सो मैंने फेस वॉश कर लिया है विद दिस मामाअर्थ फेस वॉश माइसल वाटर. माई फेस फील सो नाइस. मैं ना अभी हेयर स्टाइल पोनी टेल ही रखती हूँ डेली, बिकॉज यू नो जल्दी हो जाता है एंड अच्छा भी लगता है इसीलिए, एंड काफ़ी सिंपल भी है. ओके, नाउ लेट्स जस्ट टोन अप आवर स्किन अ लिटिल बिट विद दिस DIY टोनर. इसमें रोज वाटर है, एलोवेरा जेल है और मिनरल वाटर है. इट्स सो रिफ्रेशिंग एंड pH बैलेंस करता है, pH लेवल को बैलेंस करता है टोनर. आपकी स्किन को हाइड्रेट रिफ्रेश एंड आपके पोर्स के लिए काफ़ी अच्छा है. एक्चुअली पोर्स को मिनिमाइज कर देगा काफ़ी, अगर आप मेकअप करना पसंद करते हो मेरी जैसे तो, लेकिन ज़्यादा नहीं यू नो सेटल भी रहे एंड सबके सामने अच्छा भी लगे देखने में. मैं लिपस्टिक लाने ही भूल गई. अच्छा मैं ले आऊँगी एक सेकेंड लगती. सो बिकॉज आई एम वेयरिंग टुडे अ ब्राउन, आई एम गोना यूज दिस लिपस्टिक नॉट नाउ फिलिप स्किन केयर. सो टोनर सूख चुका है, 30 सेकेंड्स के आसपास हो गया है. अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर. दिस इज यू नो माई लाइक जो भी मैं करती हूँ अपने मेकअप में वो मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ. इट इज द एलोवेरा जेल फ्रॉम पतंजलि. आई टेक लाइक अ बिट ऑन माई पाम एंड ये रियलिस्टिक है, मैं कोई ज़्यादा भड़कीला मेकअप नहीं करने वाली बिल्कुल. लाइक इट्स गोइंग टू बी अ नो मेकअप, बट थोड़ा यू नो फेस अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा. लाइक मेरा फेस बिल्कुल ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है, यू नो आई एम ब्रेकिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द मास्क. एंड पिछले साल भी जब स्कूल खुला था तो मास्क की वजह से मेरा पूरा फेस में ब्रेकआउट निकल गया था. एंड इस बार भी यू कैन सी दीज आर आई डोंट नो इट्स अ बम्स या फिर पिम्पल है, मुझे समझ नहीं आता, बट आई एम जस्ट ब्रेकिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर. आई डोंट लाइक इट. आई एम गोना पुट ऑन अ लिप बाम, दिस इज़ फ्रॉम जॉय. इसको मैंने काट लिया है, जल्दी पंडित आ चुके हैं गए. ओके सो हम फटाफट करेंगे बिकॉज मैं पूजा में भी बैठती हूँ. ओके सो लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो गए हैं. थोड़ा सा आईब्रोज को मैं फिल करूँगी विद दिस. दिस इज़ अ मिस गोल्ड पैलेट, इसमें से एक ब्लैक कलर ले रही हूँ मैं, ये वाला. एकदम हल्की ब्राउज मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं, एकदम हल्का सा. जो जैसे मेरी एक गंदी सी ब्राउज है ना, इसको मैं हल्का सा अपनी जैसे मेरी ब्राउज है ना वैसा ही जस्ट मैं हल्का हल्का, आप देख सकते ऐसा लगेगा एकदम मेरी नेचुरल ब्राउज है. तो ज़्यादा फिल इन नहीं करूँगी, वैसे सबको मेरी असलियत पता है ब्राउज की, बट ठीक है यार थोड़ा अच्छा दिखा ही सकते हैं. लाइक यू कैन कंपेयर, ये थोड़ा बेटर लग रहा है. राइट, सॉरी फॉर द लाइटिंग, सिर्फ एक फ्लैश है एंड एक बल्ब है, जो कि बल्ब की लाइटिंग इधर नहीं आ रही क्योंकि लाइट कटा हुआ है, तो इन्वर्टर से नहीं जलने वाला, अदरवाइज
you would get. And my fingers are just fell out. It is so nice. Look at that. ठीक है ना दोनों. By the way ये गुनगुन इसका नाम है, शायद मैं बताना भूल गई होंगी हड़बड़ी में. यार कल भी पंडित जी आ गए थे, आज तो अभी 10-20 ही हुआ है, जल्दी ही आ गए पंडित जी आज. अब मैं थोड़ा अपने फेस को पाउडर से सेट करूँगी. दिस पाउडर आई एम गोना यूज़ एंड दिस इज द स्पंज फ्रॉम ऑन कलर. इसका ये वाला पोर्शन एंड ये स्पंज का ये पाउडर है. टेक इट ऑन माई बैक ऑफ हैंड, ज़्यादा नहीं बिल्कुल कम. कल आपने देखा था ना कितना ज़्यादा पाउडर निकल गया था, उसको मैंने स्टोर करके रखा है. बट अभी मैं यही बॉटल उठा के ले आई तो आफ्टर यूज दिस जस्ट गोना अप्लाई इट अंडर माई आईज, थोड़ा सा ऊपर. इंस्टेंट कवरेज आ जाता है सिर्फ पाउडर से ही, बिकॉज आई डोंट हैव सो मेनी डार्क सर्कल्स. अगर आपके हैं तो यू बेटर कंसील, बिकॉज वो अच्छा लगेगा. देन एक ब्रश से ना अच्छे से फैलता है, तो पंच से तो सिर्फ अप्लाई करूँगी एंड ब्रश से मैं, एंड जो रेस्ट है उसको मैं अपने नेक पे लगाऊंगी. बाकी बचे फेस पे मैं यू नो जो भी ब्रश में है एक्सेस आई जस्ट गोना स्प्रे इट. नाउ आई एम गोना यूज अवॉन का ब्लश. ये ब्लश ब्लश नहीं था, ये पाउडर था, तो मैंने इसमें लिपस्टिक डाल के और मॉइस्चराइजर डाल के क्रीम ब्लश बना लिया. आई जस्ट लव इट. एंड ये कल भी मैंने अप्लाई किया था, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो. सो आई लव इट. ये आकाश की लिपस्टिक और एक फेस मॉइस्चराइजर मिक्स करके मैंने बनाया था. How creamy that is, and I'm gonna just blend this in with my finger only. I just love having a blush. I love pink cheeks, जो मेरे हैं नहीं. बट यार ये एक्ने पे मैं कुछ नहीं करने वाली. लाइक बहुत लोग छुपाते हैं ना, बिकॉज ये और भड़कीला हो जाएगा. आई वॉन्ट देम टू जस्ट रेस्ट. इसे मैंने यहाँ पर पाउडर भी नहीं लगाया, मतलब कोई मेकअप मैं यहाँ पर नहीं लगाने वाली हूँ. मैं फेस में भी ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, सिर्फ ये एक ब्लश ही लगाऊँगी. You know that contour and all that. अभी फेस पे कुछ नहीं, जो करना है आँखों पे ही हम करेंगे. ठीक है ना. चलो चलो ठीक लग रहा है ना, ब्लेंडेड दिख रहा है ना. पक्का एकदम गुलाबी गुलाबी नहीं ना लग रहा? नहीं एकदम गुलाबी गुलाबी नहीं लग रहा, हल्का सा एकदम प्यारा सा. जल्दी करो यार पंडित जी आ गए. इसको हम पाउडर सेट करेंगे, जो भी स्पंज में था ज़्यादा कुछ नहीं, जो क्रीम प्रोडक्ट ही क्रीज कर सकता है. एक हम बिंदी लगाएंगे, मुझे बिंदी बहुत पसंद है. आई एम गोना गो विद दिस वन टुडे. मेरे को बड़ी बिंदी चाहिए थी बट ये छोटी हाथ लगी है, तो छोटी अच्छा लगता है. मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटा है ना, मीडियम वाला ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड आपको मैं हड़बड़ी में इसलिए दिख रही हूँ गाइस, क्योंकि पंडित जी आ गए हैं, सब मुझे बुला रहा है. सो दिस इज द फाइनल लुक. हाँ एक मिनट, फाइनल लुक बोल रहे हैं हम. लिपस्टिक तो लगाए नहीं, ज़्यादा लिपस्टिक भी नहीं पोतूंगी मैं, जस्ट हल्का से लेके डैब डैब थोड़े लिप बाम पोच लो, मतलब एक्सेस. एंड इस टाइप से लेके यू नो आज मैंने ब्राउन पहना है, इसलिए आई एम गोना यूज अ ब्राउन लिप कलर. आई जस्ट लव ब्राउन कलर. ये डार्क नहीं लगाऊंगी, आई थिंक द लुक नाइस. हाथ से थोड़ा ब्लेंड ले ले, इसके अंदर एकदम हाथ घुसाना. यार ये इंडियंस ऐसे ही होता है, ठीक है, जब तक प्रोडक्ट पूरा खत्म ना हो जाए ना. आई थिंक लिपस्टिक अच्छी लग गई है.
एक्सपायरी सिस्टम। सो गाइस आई एम रेडी, आई लुक गॉर्जियस। मुमिया मिठू, आई विल वेयर अ रिंग। यार कल पहनेंगे रिंग, ठीक है? आज नहीं, आज इतना काफी। सो गाइस चलो अब पूजा अटेंड करते हैं। मैं पहले ओटीडी आपको दिखाती हूं। फिट ये आपने देखा भी होगा। ब्लॉग सोच रही हूँ एंड कर दूँ, बट अगर मेरे पास कुछ शाम में इंटरेस्टिंग हुआ टू शो या फिर कुछ भी दिखाने के लिए ना, तो आई विल पर्टिकुलरली ऐड दैट इन माई ब्लॉग। वरना अभी के लिए आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग, अगर एंड हुआ तो। बट या लेट्स सी, ये देखो इसको, अभी तो मैं फ़ोन चलाऊँगी फिर कुछ सर आएंगे एंड देन एडिट करके डालूँगी एंड देन 7 बजे से पढ़ने बैठूँगी। बाय। और से चंदन कट्टी को पूछे।